हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फाइनल चयन सूची जो है वो रिलीज हो चुकी है। आई होप कि आप सभी ने देख ली होगी। ठीक है, पोर्टल पर काफ़ी पहले ही अपडेट आ चुका था। पोर्टल पर एक और अपडेट आया था आपके, क्योंकि आपकी जो सूची आई है उसमें ये तो पता चल रहा है आपको कि आपको कौन सा जिला दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि स्कूल की चॉइस फिलिंग कैसे की जाएगी और आगे की प्रक्रिया क्या है। एक्चुअली जब इस रिजल्ट को डाला गया था तो उसके साथ एक और अपडेट दी गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया था। ठीक है, तो उस अपडेट पर हम डिस्कशन कर लेते हैं और आगे की प्रोसीजर क्या रह सकती है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और प्रयोगशाला शिक्षक की जो प्रोसीजर है हम उसको भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं इसमें तो लगभग हमने जो बताई थी उसके आसपास ही है। हमने आज सुबह ही ओबीसी वाली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने फीमेल की कट ऑफ 103 पॉइंट समथिंग बताई थी ओबीसी की, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 103 पॉइंट समथिंग ही है जो कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इसका साफ सा मतलब है कि मैं बार बार बोल रही थी कि आप लोगों को एक्स सर्विसमैन की बची हुई वैकेंसीज मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पर मिल गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी भी वेटिंग में है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि 24 तारीख को एक महा आंदोलन किया जा रहा है पद वृद्धि के लिए, तो आप सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, पद वृद्धि करना कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार कर सकती है। सरकार एक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसको मास में जो कैंडिडेट्स हैं वो दिखाई नहीं देते जहाँ पर भी आंदोलन होता है। तो अगर सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि जो कैंडिडेट्स रह गए हैं इस लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि अब इसके आगे की प्रोसीजर प्रोसेस क्या है और आपके जो स्कूल चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली इसके पहले एक अपडेट आई थी, तो क्योंकि वो अपडेट जो थी हटा ली गई थी तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता 2020 में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रवर्गवार मेरिट क्रम में जिलेवार एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित जिलेवार प्राप्तिक चयन सूची में है, वह अभ्यर्थी उन्हें आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प का चयन, यानी कि आपका सिलेक्शन जिस जिले में हुआ है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर जिले में जितने भी स्कूल्स हैं अब आपके सामने वो लिस्ट खुलकर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अवधि जो दे रखी थी वो दे रखी थी 21/7/2023 लेके 24/7/2023 तक, क्योंकि इनका प्रोसीजर खुद ही लेट था। इन्होंने 21 तारीख को ही अपनी चयन सूची डाली जिले वाली की, किसको कौन सा जिला आवंटित हुआ है, इसलिए इन्होंने अपनी साला की जो विकल्प चयन सूची थी वो नहीं डाली, उसको हटा ली। यही सेम प्रोसीजर तब हुआ था कुछ दिन पहले जब आपको जिले सेलेक्ट करने थे, उन्होंने पहले एक नोटिस डाला था फिर उसको हटा लिया था और फिर संशोधित कर उसको दोबारा डाला था। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ संशोधन हो और इसको दोबारा कल अपडेट किया जाए, और जो तारीख उन्होंने 24 तक बोली उसको एक्सटेंड करके 25 तक कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये रूल बनाया है कि हाँ 21 से 24 तक आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग होगी, इसका मतलब आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी, वो बात अलग है कि 24 की जगह वो 25 से 26 तारीख तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित जिलों की विज्ञप्ति समस्त शालाओं को प्राथमिकता क्रम में चयन करना, आपको जैसे जिले आपने जिस क्रम में चयन किए थे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसी क्रम में आप अपने स्कूल्स का चयन करेंगे। यहाँ ये भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः उन्हें आवंटित जिला किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको जो जिला मिला है उसको किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे जो लिखा हुआ था, समस्त शालाओं को प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा, यानी कि आपके जितने भी स्कूल्स आएंगे उनको आप क्रम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे अपनी प्रायोरिटीज वाइज। यहाँ ये भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग है, अतः उन्हें आवंटित जो अभी मैंने बताया वही, निर्धारित समय अवधि में शाला का विकल्प चयन ना करने पर अथवा संबंधित को शालाएं आवंटित ना हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के शाला का आवंटन किया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो ये आप कंप्लीटली विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कौन सा स्कूल उठाकर दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अगर आपकी ये वाली लिस्ट खुलती है, आज नहीं खुली, हो सकता है कि कल से खुल जाए, परसों से खुल जाए, आप आराम से सोच समझकर आपके जिले में जो स्कूल आपके पास पड़ता है, जिनके होम डिस्ट्रिक्ट जिनको मिला है उनके कौन सा स्कूल उनके पास पड़ता है वो इसे चुन सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी को अधिकार नहीं आता, अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प के अनुसार ही, जैसे कि आपको पता है कि आप सभी ने जब डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग को डाला था तो आपने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से स्कूल्स डाले थे, लेकिन आपको किसी को 6th नंबर की प्रायोरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट मिला है, किसी को 7th नंबर की प्रायोरिटी वाला मिला है, तो ये वैसे ही है, सेम स्कूल का भी वही प्रोसीजर होगा। आप दावा नहीं कर सकते कि हमने फर्स्ट पर ये भरा था तो हमें वही स्कूल दिया जाए, ठीक है। ये विभाग प्राथमिकता देगा कि उन्हें कौन सा स्कूल देना है। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को सभी शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना अनिवार्य था वैसे ही आपको आपके स्कूल्स का चयन करना भी अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि एमपी, इसके नीचे लिखा हुआ था कि अभ्यर्थी को ये सूचित किया जाता है कि आप डेली बेसिस पर एमपी टीआरसी पोर्टल ऑनलाइन को विजिट करते रहें ताकि कोई न्यू अपडेट आए तो आपको पता चले, ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये प्रोसीजर जो ये पहले अपलोड किया था फिर इसको हटा लिया गया था। अगर मैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग के प्रोसीजर की बात करती हूँ तो उसमें ऐसा था कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे, जो जिला आपको मिला है उस जगह ब्लॉक स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट को और वेरीफाइड किया जाना था, और वहां पर आपको बताया गया था कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। ये फर्स्ट काउंसलिंग की प्रोसीजर था, तो मे बी पॉसिबल वो उस प्रोसीजर को अपना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये दिया है अपने नोटिस में तो वो इसी प्रोसीजर को अपनाएंगे, आपसे स्कूल चॉइस फिलिंग जो है वो ऑनलाइन ही करवा लेंगे। अगर उन्होंने नोटिस लिखा वो बात अलग है कि इसको हटा लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात उठती है कि ये तो था सारा डीपीआई का प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपको स्कूल चॉइस मिल जाएगी तो उसके बाद आप फिर से उसके बाद आप लोग ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और वहां आपके डॉक्यूमेंट एक बार और वेरीफाइड कर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ये डीपीआई की प्रोसीजर है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं टीडब्ल्यूडी की, क्योंकि ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इंतजार है टीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज का। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें उम्मीद है कि शायद उनका सिलेक्शन टीडब्ल्यूडी में हो जाएगा। अब बात यह है कि टीडब्ल्यूडी में जो वैकेंसीज हैं वो लैब टीचर्स की हैं। आप सभी को पता है कि लैब टीचर्स के लिए साइंस होना कंपलसरी है। अब आपका क्वेरी या क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम जिनके पास बायो है सिर्फ वही एप्लीकेबल हैं, या जिनके पास मैथ सब्जेक्ट भी है क्या वो लोग भी एप्लीकेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपके पास बायो होना कंपलसरी है या मैथ्स होना कंपलसरी है। उसमें सिर्फ ये लिखाया था कि 12th में बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ्स और बायो वाले दोनों ही एप्लीकेबल होंगे लैब टीचर्स के लिए। लेकिन फिर भी जब टीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि वो अपना सारा नोटिस ऑलरेडी दे दें आपको कि कौन से बच्चे जो हैं उसमें एप्लीकेबल हैं। तो आप लोग चिंता मत कीजिए जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, टीडब्ल्यूडी की भी अभी वैकेंसीज बाकी हैं तो आपका सिलेक्शन वहां हो सकता है। 2000 समथिंग बच्चे जो हैं इस प्रक्रिया से बाहर हो गए और 6000 कुछ बच्चे जो हैं इस प्रक्रिया में सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कट ऑफ आप आराम से देख सकते हैं, वैसे अब आपको कट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई है, तो उसके नीचे के जो बच्चे हैं उनका टीडब्ल्यूडी में होगा या नहीं। अब बच्चों की दिक्कत ये है कि मैम टीडब्ल्यूडी के लिए तो साइंस मांगी जा रही है, अगर हमारे पास साइंस नहीं है तो क्या हमारा नहीं होगा। देखिए ये एक सवाल बिल्कुल वैलिड सवाल है, क्योंकि अगर आपका इस चयन सूची में नाम नहीं आया है तो जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे उनके पास अगर साइंस नहीं हुई तो क्या उनका टीडब्ल्यूडी की चयन सूची में भी नाम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका साइंस जिनके पास स्ट्रीम है उनका तो टीडब्ल्यूडी में जाहिर सी बात आराम से हो ही जाएगा। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिनके पास साइंस नहीं है और जिनका सिलेक्शन इस लिस्ट में भी नहीं हुआ है। देखते हैं अब टीडब्ल्यूडी अपना प्रोसीजर कब बताएगा, क्योंकि डीपीआई का जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद बताएगा, तो हो सकता है कि 25-26 तक आपसे स्कूल की चॉइस फिलिंग करा ली जाए, आपको स्कूल की चॉइस फिलिंग के बाद आपको स्कूल्स में ही डायरेक्टली बुलाया जाए या ब्लॉक स्तर पर बुलाया जाए, वहां आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके बाद आपकी डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाए और टीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है फ्रेंड। बाकी आपको पता है कि पद वृद्धि की लगातार मांग चल रही है, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा लें, ठीक है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो तो लें ही, लेकिन जिन लोगों का हो गया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट इस मुद्दे को ट्रेंड करें ट्विटर पर। क्योंकि देखिए पटवारी का एमबी पटवारी का जो सिलसिला था उसके ऊपर एक ही दिन में इतना ज्यादा भीड़ जो था एक साथ इकट्ठा हो गया कि एक ही दिन में चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ा था, लेकिन उन्हें ये भीड़ जो है वो दिखा ही नहीं दे रही है वर्ग थर्ड में, तो सरकार इसीलिए चुप लगा रही है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो सभी पार्टिसिपेट करें इस चीज में, ताकि बाकी जो कैंडिडेट्स बच गए हैं उन सभी को भी वर्ग थ्री में मौका मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।